जिला ऊना के धार्मिक स्थान पीर निगाह में बैसाखी नाइट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब की मशहूर सूफी गायक जोड़ी नूरा सिस्टर ने शिरकत की। नूरा सिस्टर ने जब स्टेज पर अपना कार्यक्रम शुरू किया तो हर कोई इस जोड़ी की आवाज को सुनकर हैरान हुआ। नूरा सिस्टर ने एक से बढ़कर एक सूफी गाने गाए, जिसे सुनकर वहां पर मौजूद लोग नाचने पर मजबूर हो गए। लोग इतने खुश हुए कि उन्होंने नूरा सिस्टर पर खूब नोट बरसाए। कई घंटों तक चले इस कार्यक्रम में दोनों ने खूब रंग जमाया और पीर बाबा की महिमा का सूफी गायकी के जरिए समा बांधा। वहीं नूरा सिस्टर ने मीडिया से खास बातचीत में कहा कि इस धार्मिक जगह से खास लगाव है और वह इस जगह के साथ अपना रिश्ता जोड़ सकती हैं। वहीं नूरा सिस्टर ने कहा कि आजकल जो लोग कम समय से जल्द कामयाबी हासिल करने के लिए ऐसे गीत भी गाए जा रहे हैं जो कि परिवार में बैठकर भी नहीं सुने जा सकते हैं, वो इसके पक्ष में नहीं है। गीत वही गाए जो कि सभी के दिल में बैठ जाए। उन्होंने कहा कि आजकल की गायकी में पंजाब का विरसा गायब हो रहा है। वैसाखी पर या फिर कोई भी पर्व के ऊपर किसी का भी कोई ध्यान नहीं जा रहा है। मेले गायकी से गायब हो रहे हैं। आजकल की गायकी में सूफी गायकी को कायम रखने के लिए वह अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे लेकर जा रही हैं, ताकि पंजाब के विरसे के तहत सूफी गायकी भी कहीं लुप्त न हो जाए। मतलब ये सूफी गायकी तो हमारे से पहले ही चलती आ रही है। ये जो पॉप की आप बात कर रहे हो, ये तो चलो एक दुनियावी चीजें हैं, और ये जो चीजें हैं ना, ये तो सदाबहार है और इसमें ही बरकत है और इसमें ही सब कुछ है। तो हम तो इसको ही अच्छा मानते हैं और यही हमें अच्छी लगती है गायकी। बस जो आगे की पीढ़ी है, जो भी है, वो भी सूफी ही गाएंगे। हमारी ये 8वीं 9वीं पीढ़ी है, इसलिए हम आपको तो पता ही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी तार चलता आ रहा है, तो हम सूफी ही गाते हैं। हमारे नानी जी, पड़नानी जी, पापा जी सब सूफी ही गाते थे, तो फिर हम भी सूफी ही गाते हैं, आपको तो पता ही है। जो आज हम शो करने जा रहे हैं, हमारे महाराज जिनको हम मानते हैं, अल्लाह ताला जी, गौस पाक मीरा सरकार जी, जिनका हम शो करने आज जा रहे हैं, तो हमें आज बहुत ज्यादा खुशी। पहले भी काफी बार आ चुके हैं, पर आज थोड़ा अलग लग रहा है, तो बहुत अच्छी मन में बहुत ज्यादा खुशी है कि जब जाएंगे स्टेज पे तो पता नहीं क्या क्या होगा। अभी ऐसा कोई बड़ा कलाकार नाम नहीं जुड़ा है, हम उम्मीद करें कि नूरा सिस्टर्स यहाँ से जुड़ गए हैं तो एक और अलग इसको नाम मिलेगा यहाँ गौसबाग की धरती को। बिल्कुल जी, ये तो आपके जैसे भाई बहनों की दुआओं के साथ हम पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच भी चुके हैं और आगे और भी तरक्की करेंगे। जब आप हमारे साथ हो तो वो हमारे महाराज वो साथ हैं, मीरा सरकार हमारी। बहुत खुशी होती है कि हमें ये सुन के हमें फॉलो करते हैं और हमारे कलाम गाते हैं। ये बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो हमारे कलाम गाती हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है और हमें और ज्यादा खुशी होती है, तो खुशी से हम ज्यादा काम करते हैं, फिर हमें बहुत ज्यादा फख्र महसूस होता है। जो कि परिवार में बैठकर सुने भी नहीं जा रहे हैं। नहीं देखो, पहले ये बात है कि हमें जो काम हम कर रहे हैं ना, वो हमें अच्छा लगता है कि हमें सुकून है जो हम काम कर रहे हैं, वो हमें पता है हमारी नजरों में वो अच्छा है। कोई कैसा भी काम करे वो सब अच्छे हैं। वो जिन जो जो लोग हैं ना, वो जिनको जैसा अच्छा लगता है वो वैसे ही करें, बट ये कि अच्छा करें, बिल्कुल वो काम ना करें कि जो कोई परिवार, कोई अपना भाई बहन देख के भी मतलब शर्मा जाए। लेकिन जो विरसा है पंजाब का, कहीं ना कहीं वो गायकी के रूम में पिछड़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, ये तो हमें भी होता है। अभी आज कल विसाखी थी, तो मतलब क्या मतलब ना, जैसे ये चीजें त्योहार खत्म हो ही जा रहे हैं, अब तो कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी किसी त्योहार का पता नहीं चल रहा। पहले लोग कितने खुश होते थे, कैसे त्योहार सभी मनाते थे, अब तो बैसाखी का तो वैसे ही नहीं पता चला। तो इस विरसे को वापस लाने के लिए आपकी तरफ से कोई प्रयास? बस जी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करेंगे पूरी हमारी, मन से सबको बोलते हैं कि हमारी पूरी लगन है कि फिर अपनी विरसे की तरफ आओ, उसको मत भूलो, कल्चर को मत भूलो, यही सब कुछ है जी।
वहीं पीर निगाह मंदिर लोगों की आस्था के केंद्र बना हुआ है। यहां पर दूर दराज के राज्यों से लोग अपनी मनोकामना पूरी करने पहुंचते हैं। मान्यता है कि इस दरबार से जो भी भगत सच्चे मन से अगर कोई मुराद मांगता है तो पीर बाबा उसकी हर मुराद पूरी करते हैं। मंदिर के कमेटी की माने तो इस जगह के अगर इतिहास पर नजर डालें तो यह पीर बाबा की मजार है। यहाँ पर भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए इस जगह को पीर निगाह के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी पीर निगाह मंदिर में बैसाखी का मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन लखदाता लालना वाले जी के दरबार में चादर चढ़ाई जाती है, तथा झंडा चढ़ाया जाता है। बैसाखी वाले दिन ही बाबा जी को स्नान करवाया जाता है, जो कि आज सुबह वो कार्यक्रम हुआ और अभी साये 4 बजे से लेकर 8 बजे तक एक संस्कृत साहित्यिक कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें नूरा सिस्टर्स बाबा जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगी। पीरनिगाह मंदिर जो है ये हिंदू मुसलमान और सिख की धर्म की धार्मिक एकता का प्रतीक है। इस मंदिर का नाम जो पीरनिगाह मंदिर पड़ा, ये एक पीर और एक ब्राह्मण परिवार से नगाइया नाम का व्यक्ति था, जो कि पीर जी की वो आराधना करता था और पीर जी ने उनको वसूली की इस जगह पर दर्शन दिए थे और उनका यही पे इसी जगह पर देहांत हो गया नगाइया जी का, इसलिए इस जगह का नाम पीर निगाह पड़ा।